विच इज ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। क्लास थ्री सब्जेक्ट साइंस चैप्टर ए लाइट साउंड एंड फोर्स। आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िए और समझिए। द सन गिव अस लाइट, सूरज हमें प्रकाश देता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव अस लाइट, एक बिजली का बल्ब भी हमें रोशनी देता है। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स और रीड बुक, हमें चीज़ों को देखने या किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। वी गेट लाइट फ्रॉम टॉर्चेस बल्ब कैंडल स्टार एंड लैम्प, हमें प्रकाश मसाले बल्ब मोमबत्तियाँ तारे और दीपक से मिलते हैं। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एज दे इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, इन वस्तुओं को चमकदार वस्तु के रूप में वे अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लाइक द सन स्टार एक्सेट्रा, इनमें से कुछ जो सूर्य तारे आदि प्राकृतिक है, आर नेचुरल वाइल अदर्स लाइक लैम्प कैंडल एंड टॉर्चेस आर मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट, जबकि अन्य जैसे लैम्प मोमबत्तियां मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ऑन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वे वस्तुओं जो अपने स्वयं के प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है उन्हें गैर चमकदार वस्तु कहा जाता है, जिसमें क्या क्या आता है, टेबल बुक्स ग्लास एंड पेंसिल आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये सब वस्तु क्या होता है, चमकदार नहीं है, इसीलिए इसे नॉन ल्यूमिनस वस्तु कहा गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैडो। शैडो मीन्स क्या होता है, छाया। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब कोई वस्तु प्रकाश अंधेरे क्षेत्र का मार्ग अवरुद्ध करती है तो उसके पीछे जमीन या दीवार पर छाया बनता है। दिस इज कॉल्ड द शैडो, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, शैडो, तब छाया कहते हैं। ए शैडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑन द लाइट, छाया क्या है, विपरीत दिशा में बनता है, किधर बनता है, विपरीत दिशा में। द साइज ऑफ द शैडो वेरियस, यह वस्तु के आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है। इट कैन बी स्मॉलर और बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यह वस्तु उसके आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड। साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज। साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज। वी हेयर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड एवरी डे, हम रोजाना कई तरह की आवाजें सुनते हैं। सच एज चिम्पिंग ऑफ बर्ड्स, रिंगिंग ऑफ डोर बेल्स, रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक एंड रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल, जैसे पक्षियों का चहचहाना या दरवाजे की डोरबेल बजना या फिर अलार्म घड़ी बजना और स्कूल की घंटी बजना।
when we speak or laugh we produced sound. जब हम बोलते हैं या हंसते हैं तो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं. जब हम बोलते हैं या हंसते हैं तो उसमें से जो एक आवाज उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि. उसे ध्वनि उत्पन्न होते हैं. उसके बाद आइए नीचे टाइप्स ऑफ साउंड. टाइप्स ऑफ साउंड मतलब आवाज कितने प्रकार के होते हैं या ध्वनि कितने प्रकार की होती है. देयर आर वैरायटी ऑफ साउंड ऑल ओवर द अर्थ. सम साउंड आर प्लेजेंट. फॉर एग्जाम्पल साउंड of a following rivers and music of musical instrument. पृथ्वी पर सभी तरह की आवाजें हैं. कुछ ध्वनियाँ उदाहरण के लिए बहती हुई नदी और संगीत की तरह होते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इसके बाद पीछे आइए पढ़ते हैं हम. सम साउंड आर वेरी अनप्लेजेंट. और कुछ साउंड है जो अनप्लेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ लाउड स्पीकर एंड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो कि लाउड स्पीकर का साउंड और ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स का साउंड क्या है, अनप्लेजेंट है. लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस. और इसकी आवाज अच्छी नहीं होती है इसलिए हम लोग इसे नॉइस कहते हैं. इसको क्या बोलते हैं, नॉइस. दे आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, जो हमारे कानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स. फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स क्या होता है, पुश और पुल. किसी वस्तु को धक्का देना या धीमी या रोकने वाले बल को हम लोग घर्षण बल या फोर्स कहते हैं. फोर्स कहते हैं. फोर्स इज अ वेरी यूजफुल एज इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग. और बल हमें बहुत मदद करते हैं बहुत सारे काम करने में. बी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट. और इसे हम लोग अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. We apply force to stop or slow down an moving object. या फिर खींचने के लिए बल की भी आवश्यकता होती है, इधर से उधर जाने के लिए या इधर से उधर वस्तु को घसकाने के लिए हमें क्या करते हैं, बल की आवश्यकता पड़ती है. We apply force to change the shape or size of an object. और हम लोग बल को उसके शेप और साइज के अनुसार भी यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं. उसके बाद नीचे द फोर्स दैट स्लो और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. और जो स्टॉप मतलब धीरे और धीरे से जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन. कोई भी वस्तु को इधर से उधर घसकाने के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं बल्कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण कहते हैं. व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट द फोर्स ऑफ द पुश और पुल शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बल घर्षण के बल से अधिक हो जाने के बाद जब घर्षण बहुत कम होता है तो चीज़ें अधिक होने पर फिसल जाती है, चीज़ें चलती नहीं हैं. यदि कोई घर्षण नहीं था तो हम चलने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी. हमें इसे फिसलते रहना चाहिए और इसे हम लोग क्या करते हैं, फिसलते रहना रहते हैं. फोर्स When friction is very less, और उस समय friction क्या हो जाता है, घर्षण बहुत ही कम हो जाता है. Things slide when it is more, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को हम लोग इधर से उधर move कर सकते हैं. If there was no friction, we would not be able to walk. और अगर
फ्रैक्शन नहीं होगा तो वस्तु इधर से उधर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों की फोर्स की भी फ्रैक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। वी शुड कीप स्लीपिंग ऑफ, नहीं तो वो स्लीपिंग मतलब सो फिसल जाएगा। आप लोगों का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग नंबर ए बी सी और डी अपने अपने कॉपी और बुक में कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।